होली सर? अरे काहे की हैप्पी होली यार, पूरा त्यौहार खराब हो गया मेरा। हुआ क्या? अरे यार कल मैं एक शादी में कॉमेडी शो करने गया था। हाँ तो तुम्हारा क्यों मुझे? तो कुछ गड़बड़ की होगी आपने। गड़बड़ की होगी यार, गिरा गिरा के मारा यार कुत्ते की तरह। कोई तरीका क्या? तो कुछ तो किया होगा आपने। अरे भाई शादी में कॉमेडी प्रोग्राम था। हाँ। मैं दूल्हे को देख के बोला, मतलब भैया जैसे आप घोड़ी पे बैठे हो, हाँ। ऐसे एक आदमी अर्थी पे लेटा हुआ था। फिर मैंने कहा जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित करके सात फेरे लिए, ऐसे अर्थी को अग्नि जलाई गई थी। इतने बराती मारने लगे। तो श्रीवास्तव जी आप मनहूस चुटकुला सुनाएंगे तो मार ही खाएंगे ना आप। आप किसी की शादी हो रही है और आप मरने मारने की बातें कर रहे हैं। वो तो शुक्र है त्योहार है, उन्होंने कम मारा होगा आपको। हाँ कुछ लोग बोले मारो मारो मारो, एक बुजुर्ग आए बोले त्योहार है त्योहार है, जूते लात नहीं मारना, पिचकारी से मारो। पर आप तो सूखे हैं, पानी तो आया नहीं आपके ऊपर। अरे उन्होंने पीतल की पिचकारी ली और मेरे पतीले पे मारा है। अच्छा खाली पिचकारी मारी आपने? खाली पिचकारी मारी। चलिए आप अभी गुस्सा थूकी, आज होली है, ये सब लोग होली मनाने आए, आप इनको चुटकुले सुनाइए। आप जैसा मर्जी सुनाइए, कोई नहीं मारेगा आपको। पक्का? पक्का नहीं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। अरे वाह मैं तैयार हूं। आज हम भी श्रीवास्तव जी को सामने बैठ के सुनते हैं। श्रीवास्तव शर्मा जी जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी के लिए। बस ठीक है। वही मैंने कहा त्योहार है, लोहा पीतल क्यों मार रहे हो? मारना ताली मारो, गुलाल मारो, होली है। अपने देश में जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, हाई फाई लोग जिनका पैसा बहुत आ गया, अपना कल्चर भूल गए, ये होली होली में बिल्डिंग से निकलते नहीं, उतरते नहीं, बाहर ही नहीं आते। होली जब जलती है तो ये बहुत मेहरबानी करते हैं, अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा के एसी चालू करके विंडो विंडो बंद करके जहाँ होली जल रही है दूर गाड़ी खड़ी करके पापा बताते हैं बेटे ऐसे जलती होली देखो। ये अरे अरे बेटे शीशा बंद करो, शीशा बंद करो, धुआं आ जाएगा। तुम्हें तो एलर्जी ना धुएं से, इसके ना वो छोटे छोटे कण निकलते हैं तुम्हें गले में, फिर इन्फेक्शन फंक्शन। ये देखो ऐसे जल रही है। होली वाले दिन खूब छनती है, लेकिन दीपावली जो त्योहार है एकदम साफ सुथरा त्योहार है, नहाया धोया हैंडसम। लेकिन दीपावली सबसे बदतमीजी कौन करता है मालूम? पटाके जो हरे वाले होते हैं ना ग्रीन कलर के, सुतली बम। ये आप रखिए, आग लगाइए, एक बार में क्यों नहीं फटते? जब तक सबकी पोजीशन ऑकवर्ड नहीं कर दे। अब आग लगाई, अब काका दादा सब लोग यूं। अच्छा वो फटता नहीं है, अटकेलियां करता है, अटकेलियां अटकेलियां करता है, फटता नहीं, वहीं बैठे बैठे मौज लेता है। और पूरा परिवार एक्सरसाइज कर रहा है। छे छे नथी नथी, छे छे नथी नथी। इतने में काका बोले अरे बेकार है, दूसरा निकालो। दीपावली साफ सुथरा त्योहार है, लाइटिंग का त्योहार है। उस दिन लोग लाइटिंग पे क्या दिमाग लगाते हैं, बिजली वाले इलेक्ट्रिक वाले, ओहो आप लड़ियां लाइए, झालर लगाइए, झालर झालर तुरंत मेहनत शुरू कर देती है। जैसे लगाएंगे ये उनकी खासियत है। अच्छा कुछ बल्ब होते हैं बड़े वाले, वो डराते हैं, उनको ध्यान से देखो आपको डर लगेगा मैं त्योहार मनाऊं कि नहीं मनाऊं, वो जलेंगी। हूं हर त्योहार में, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये हर धर्म में परंपरा है कि आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं। ऐसे जुहू का वॉचमैन चौकीदार अमिताभ बच्चन से होली की गिफ्ट मांग रहा है। हाँ। नमस्कार शाम जी, नमस्कार शाम जी, मैं शेर सिंह शेरपा शाम, में गरीब आदमी है, मेरे दो बच्चे है, चार छोटी छोटी बीवी है।
शाव होली है, कुछ दे दो शाव होली है। अरे भैया, होली में कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए ऐसा नहीं।